Now, in addition to these channels, we are also having voltage gated channels. You can see here, we are having voltage gated sodium channels and voltage gated potassium channels. As you can see, under resting condition, these channels are closed. लेकिन आप देख सकते हो कि सोडियम चैनल्स में दो गेट हैं। बाहर वाले गेट को बोलते हैं एक्टिवेशन गेट और अंदर वाले गेट को बोलते हैं इनएक्टिवेशन गेट। हमेशा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और है कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसे याद करो, इनएक्टिवेशन गेट इज इनसाइड, इनएक्टिवेशन इनसाइड, इनएक्टिवेशन इनसाइड, इन इन। सो इनएक्टिवेशन गेट इज इनसाइड, लेकिन एक्टिवेशन गेट से बंद रहते हैं रेस्टिंग कंडीशन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जबकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर आल्सो क्लोज्ड। इनका तो एक ही गेट है इनसाइड। आप ऐसा भी मान सकते हो पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो वो वाला गेट बंद है, सोडियम बाहर ज्यादा है तो वहां से एक गेट बंद करना पड़ा। जैसा भी है, सोडियम के दो गेट्स हैं। अब ये चैनल्स देखिए वोल्टेज गेटेड हैं, एज द नेम सजेस्ट, बोथ द चैनल्स दे ओनली ओपन एट स्पेसिफिक वोल्टेज, एट एंड नियर स्पेसिफिक वोल्टेज। ये ऐसे चैनल्स हैं जो एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर ही खुलते हैं, उसके नीचे वोल्टेज होगा, इफ द वोल्टेज इज लेस देन दैट दे आर क्लोज्ड, इफ द वोल्टेज इज मोर देन दैट दे आर क्लोज्ड। और वो वोल्टेज है -75, तो -75 के आसपास ही, जिसको हम बोलते हैं फायरिंग लेवल। सो अगर -75 होगा तो ये गेट, तो ये चैनल्स खुलेंगे, अदरवाइज -75 से ज्यादा निगेटिव हो चैनल्स बंद, -75 से कम निगेटिव हो चैनल्स बंद। हमेशा हम ज्यादा निगेटिव, मोर निगेटिव एंड लेस निगेटिव इन वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे लेस निगेटिव को डीपोलराइजिंग डायरेक्शन और मोर निगेटिव को हाइपर पोलराइजिंग डायरेक्शन। -90 से अगर वोल्टेज -100 जाता है, ज्यादा निगेटिव हो जाता है, इट इज हाइपर पोलराइजिंग डायरेक्शन। अगर -90 से -70, -60 लेस निगेटिव होता है तो इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजिंग डायरेक्शन। तो हम हमेशा डीपोलराइजिंग डायरेक्शन और हाइपर पोलराइजिंग डायरेक्शन यूज करेंगे। तो -75 अगर किसी वजह से आरएमपी पहुंच जाए, इफ बाय एनी मीन्स स्टिमुलस अगर पहुंचा पाता है, तो हम स्टिमुलस दिया, अलग अलग एक्साइटेबल सेल्स के लिए अलग स्टिमुलस है। आप मेरी आवाज सुन रहे हो, दिस इज द स्टिमुलस फॉर हियरिंग नाउ, ऑडिटरी नाउ। हम जो स्क्रीन देख रहे हैं, आप जो फोन देख रहे हो, मैं जो कंप्यूटर लैपटॉप देख रहा हूं, ये लाइट, इट इज अ स्टिमुलस फॉर रॉड्स एंड कोन्स, आईज, आईज की नर्व्स के लिए। हम टच करते हैं, वो स्टिमुलस है टच की नर्व के लिए। लेकिन अगर डिफरेंट स्टिमुलस अगर आरएमपी को -90 से -75 पहुंचा दें, अगर नहीं पहुंचा पाए, ऐसे स्टिमुलस को हम बोलेंगे लेस देन रिक्वायर्ड स्टिमुलस। लेस देन रिक्वायर्ड स्टिमुलस को हम बोलते हैं सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। लेकिन अगर कोई स्टिमुलस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -90 से -75 पहुंचा दे, तो ऐसे स्टिमुलस को बोलेंगे एडिक्वेट या थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस ही एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है, और थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस अगर आ जाता है तो -75 इज ए स्टिमुलस फॉर बोथ द चैनल्स। इन दोनों चैनल्स के लिए ये वोल्टेज -75, इसको हम बोलते हैं फायरिंग लेवल, ये वोल्टेज थ्रेशहोल्ड वोल्टेज है, और इस वोल्टेज पे दोनों चैनल्स के ओपनिंग का स्टिमुलस हो जाता है।
अगर किसी वजह से स्टिमुलस की वजह से और स्टिमुलस में इतनी स्ट्रेंथ है, स्टिमुलस एडिक्वेट है, थ्रेशोल्ड है, और वो स्टिमुलस आरएमपी को, हर स्टिमुलस अपने अपने तरीके से आरएमपी को थ्रेशोल्ड तक लाता है, ऑप्टिक नर्व में मैकेनिज्म अलग होगी, हियरिंग नर्व में मैकेनिज्म अलग होगी, टच नर्व में मैकेनिज्म अलग होगी, पेन की नर्व में मैकेनिज्म अलग होगी, तो अगर स्टिमुलस -90 से -75 ले आता है अपने अपने तरीके से, तो फिर ये चैनल्स के खुलने का स्टिमुलस हो जाएगा। लेकिन खुलती हैं ऐसे, दिस इज द कीवर्ड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन फास्ट एंड क्लोज फास्ट। इस पेज में जितना भी लिखा हुआ है ये कीवर्ड है, देखिए बहुत कम वर्ड है, और एक्शन पोटेंशियल कितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, अल्टीमेटली आई वॉन्ट सबसे पहले आप 20 कीवर्ड्स याद करो। आपको 20 कीवर्ड याद करना है, उनको डिस्क्राइब करना है, उनको समझ लेना है, उसके बाद फिर आप डिटेल में जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट उन 20 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पेज पे लिखे हुए हैं। सो -75 पे दोनों ही चैनल ओपन होने का स्टिमुलस हो जाएगा, बट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन फास्ट एंड क्लोज फास्ट। इन चैनल का नेचर ही ऐसा होता है कि ये चैनल जल्दी से ओपन होती हैं, जल्दी से क्लोज होती हैं। दे ओपन फास्ट एंड दे क्लोज फास्ट, जबकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स दे ओपन स्लोली एंड क्लोज्ड स्लोली। ये कम धीमे ओपन होती है। आप, मैं इसको थोड़ा ऐसे रिलेट करके बताता हूं। मान लिया somebody is working in a department, और मान लिया बॉस ने बुलाया, दो एम्प्लॉय को बॉस ने बुलाया, और आके एक से आप ही उन्होंने बोला कि चलिए आप दोनों को बॉस बुला रहे हैं, तो एक एम्प्लॉय ऐसा, अरे बॉस ने बुलाया, भागो 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 भागो, तुरंत भाग के जाएगा और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा बोलेगा ठीक है बुलाया, मैं आता हूं, जरा आता हूं, आराम से आता हूं, जबकि स्टिमुलस दोनों का एक ही टाइम आया था। तो दोनों वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, दोनों का ही स्टिमुलस -75 है, बट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दे ओपन फास्ट एंड क्लोज फास्ट, और ये क्लोज हो जाती है तब जाके पोटेशियम चैनल्स ओपन होती हैं, और फिर काफी देर तक ओपन होती हैं। देखिए काफी देर का मतलब भी एक्शन पोटेंशियल में मिली सेकेंड ही है, सब एकदम फ्रैक्शन में ही होता है। तो दे ओपन स्लोली एंड क्लोज स्लोली। तो इन एडिशन टू दीज लीक चैनल्स वी आर ऑल्सो हैविंग दीज चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। स्टिमुलस फॉर बोथ इज -75, बट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन फास्ट एंड क्लोज फास्ट, वाइल वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन स्लोली एंड क्लोज स्लोली। तो अगर ये इज एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू रिवाइज दिस मच, there are two voltage gated channels, sodium and potassium. The sodium gated voltage gated channel has two gates. Activation gate is one is the inactivation gate which is inside. The sodium voltage gated channel opens fast and closes fast, and the potassium gated channel opens slowly and closes slowly. -75 millivolt testing membrane potential आ जाएगा, तो that is the firing level, and both the VGCs को stimulus मिल जाएगा खुलने का. Second half of the page. So ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन आप देखिए क्या हो रहा है। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन अगर स्टिमुलस ने -75 ला दिया है तो ही एक्शन पोटेंशियल होगा, वरना तो एक्शन पोटेंशियल होगा नहीं। तो अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ऐसा स्टिमुलस है जो आरएमपी को चेंज तो कर रहा है लेकिन 15 मिलीवोल्ट से कम चेंज कर रहा है। देखिए ये डिफरेंस है 15 मिलीवोल्ट से कम चेंज कर रहा है, तो ऐसे स्टिमुलस को हम बोलेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं होता, आरएमपी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आरएमपी इज चेंज से -90 to -80 एंड विल कम बैक। जैसे स्टिमुलस खत्म होगा कुछ टाइम में वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर फायरिंग लेवल आ गया -75 आ गया तो देन दीज चैनल्स विल स्टार्ट ओपनिंग। लेकिन चूंकि सोडियम चैनल्स आर फास्ट चैनल्स, दे ओपन फास्ट एंड क्लोज फास्ट, तो 10,000th part of second, देखिए एक सेकंड के 10,000वें हिस्से के लिए ऐसा होता है। कितना हम कम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, आप सोचिए ये सब रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल होगा कि एक सेकंड के 10,000th फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। उसमें ऐसा सिनेरियो आ जाता है दैट बिकॉज फायरिंग लेवल इज देयर, बोथ द चैनल्स इवेंचुअली विल ओपन, बट सोडियम चैनल विल ओपन फर्स्ट।
तो ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में ऐसा सिनेरियो बन जाएगा दैट सोडियम चैनल्स आर ओपन बट पोटेशियम चैनल्स आर येट टू ओपन बिकॉज दे आर स्लो ओपनिंग चैनल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए इसमें ऐसा होगा, पोटेशियम चैनल्स आर येट टू ओपन बट सोडियम चैनल्स आर ओपन। तो बिकॉज एडिशनली थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन, रेस्टिंग की बजाय कंडीशन बदल जाती है एंड सोडियम परमिएबिलिटी स्टार्ट डोमिनेटिंग पोटेशियम परमिएबिलिटी। जो हम अभी तक बोल रहे थे रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम परमिएबिलिटी इज 100 टाइम मोर देन सोडियम परमिएबिलिटी ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन बिकॉज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन, सोडियम परमिएबिलिटी बिकम सिग्निफिकेंटली हाई। ये नंबर्स बहुत सारे दिए हैं, नंबर्स में आपको नहीं जाना है, बहुत बहुत ज्यादा, करीब करीब हजार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये हजार नंबर, दिस नंबर नीड नॉट टू बी अंडरस्टूड, यू से बिकॉज नाउ वी आर हैविंग इन एडिशन टू सोडियम लीक चैनल एंड पोटेशियम लीक चैनल वी आर ऑल्सो हैविंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन। एक सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर येट टू ओपन क्योंकि वो स्लो ओपनिंग चैनल्स हैं, वाइल सोडियम चैनल्स हैव ओपन बिकॉज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हैज कम, क्योंकि स्टिमुलस ने आरएमपी को -75 फायरिंग लेवल पे पहुंचा दिया है विच इज ए थ्रेशोल्ड लेवल विच इज ए द वोल्टेज एट विच दीज चैनल्स रिस्पॉन्ड। सोडियम विल रिस्पॉन्ड अर्ली एंड ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बिकम ओपन। सो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स गेट ओपन, सो सोडियम परमिएबिलिटी विल बिकम मोर देन पोटेशियम परमिएबिलिटी दैट टू सिग्निफिकेंटली। तो ऑब्वियसली आरएमपी, अगर सोडियम परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगा तो आरएमपी सोडियम के नस पोटेंशियल की तरफ भागेगा, दैट इज +61। सो क्यों एक्चुअली ये -90 था, वेरी क्लोज टू पोटेशियम क्योंकि पोटेशियम परमिएबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन ये एडिशनल चैनल खुलने से अब सोडियम की परमिएबिलिटी पोटेशियम की परमिएबिलिटी से सिग्निफिकेंटली हाई हो गई है एंड दैट्स व्हाई सोडियम इनफ्लक्स हैपन्स एंड आरएमपी ट्राई टू रश टू सोडियम नस्ट पोटेंशियल बट +35 पहुंचते पहुंचते ये चैनल क्लोज हो जाती हैं बिकॉज दीज चैनल्स आर आल्सो फास्ट क्लोजिंग चैनल्स। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -90 था विथ नेगेटिविटी इनसाइड वो +35 आ जाता है। इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। -90 वाली स्टेट को हम पोलराइज्ड स्टेट भी बोलते हैं। सो पोलराइज्ड स्टेट इज रिवर्स्ड, जो नेगेटिविटी इनसाइड थी उसकी बजाय पॉजिटिविटी इनसाइड हो गई है एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज बिकम +35 बिकॉज ओपनिंग ऑफ दीज चैनल्स व्हाट दे कॉज सोडियम परमिएबिलिटी मोर देन पोटेशियम परमिएबिलिटी। सो RMP will rush towards sodium nas potential. Ultimately यहां तक जा सकता है लेकिन ये तुरंत बंद भी हो जाती है। तो -90 से या -75 से +35 पोटेंशियल चेंज होता है। इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में आपको ये डायग्राम बनाना है, तो ये छोटा सा डायग्राम आपको बनाना है डीपोलराइजेशन में। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन दिखा देना, ये रेस्टिंग वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन दिखा देना है और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स पर लिख देना है येट टू ओपन। स्टिमुलस आ गया है बट येट टू ओपन। तो ये डायग्राम एंड ओपन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड दीज आर वेरी फास्ट, क्योंकि इतना फास्ट कामकाज है इसलिए इनकी इन चैनल्स के नाम में हम फास्ट भी लगा देते हैं। सो कॉज ऑफ डीपोलराइजेशन इन टिपिकल एक्शन पोटेंशियल इज सोडियम इनफ्लक्स थ्रू फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ये पूरा बोलना है आपको एग्जाम में, आप आधा अधूरा सोडियम केबल बोलते हो, इन्फ्लक्स केबल बोलते हो, टाइप ऑफ चैनल नहीं बोलते हो, फिर चार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट, ये पूरी लाइन बोलिए, इट इज ए गोल्डन लाइन, गोल्ड है पूरा ये, बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम मेडिकल में गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, जैसे ECG हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड वर्ड है। डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ सोडियम इनफ्लक्स थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, फास्ट सोडियम चैनल्स, दैट इज द membrane potential rushes from -90 or we can say -75 to +35.
और ये डायग्राम आपको बनाना है और इस लाइन को अंडरलाइन करना है। ये हमारा डीपोलराइजेशन, ये हमारा एक मेजर मेजर पार्ट होगा एक्शन पोटेंशियल का। हालांकि एक्शन पोटेंशियल के हम 10 कंपोनेंट करेंगे, बट उसमें से फोर कंपोनेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, जिनको हम मेजर कंपोनेंट या फेजेस भी बोलते हैं। उन फेजेस में भी दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में आपको ये डायग्राम बनाना है और कॉज लिखना है सोडियम इनफ्लक्स थ्रू फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। नाउ रीपोलराइजेशन, ये हमारी सेकेंड फेज आ गई। सो इन द रीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड, दे ओपन फास्ट एंड क्लोज फास्ट। प्लस 35 तक पहुंचते पहुंचते सोडियम चैनल्स बंद हो गई हैं। लेकिन देखिए वो बंद हुई हैं इनएक्टिवेशन गेट से। देखिए ये खुले थे एक्टिवेशन गेट से, लेकिन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन जो बंद हुए हैं वो इनएक्टिवेशन गेट से हुए हैं। तो इनको इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेट में ये गेट खुला हुआ था, आप रेस्टिंग स्टेट का डायग्राम याद करिए। इसका मतलब ये है -75, अगर -90 से या रेस्टिंग स्टेट या उससे ज्यादा नेगेटिविटी है -100 हाइपर पोलराइजिंग डायरेक्शन, तब सोडियम चैनल्स बंद होते हैं बट एक्टिवेशन गेट से बंद होते हैं। अगर -75 से प्लस की साइड, जीरो की साइड, प्लस की साइड पोटेंशियल निकल जाए तो भी ये चैनल बंद हो जाते हैं। ये चैनल्स केवल थ्रेशोल्ड के आसपास ही खुलते हैं। अगर ज्यादा नेगेटिव है तो एक्टिवेशन गेट से बंद होंगी, और कम नेगेटिव जीरो की साइड है, प्लस की साइड है, तो इनएक्टिवेशन से गेट बंद होंगी। तो इनएक्टिवेशन से थोड़ा अलग करने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं दैट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर इनएक्टिवेटेड। तो प्लस 35 तक आते आते दे बिकम इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेशन का मतलब ही है क्लोजर ऑफ दीज चैनल बाय इनएक्टिवेशन गेट्स। ये बंद भी हो गए, इनका काम चालू हुआ, काम खत्म हुआ, बंद भी हो गया। आप में से भी या हम लोगों में से भी सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक असाइनमेंट दे दिया तो एक स्टूडेंट ऐसा होता है उसका असाइनमेंट चालू होता है, खत्म भी होता है, तब जाके दूसरे का शायद चालू हो। तो ऐसा भी हो सकता है, अपना अपना नेचर है। सो अब जाके पोटेशियम चैनल्स ओपन हुई हैं, सोडियम चैनल तब तक इनएक्टिवेटेड हो गई हैं। तो पोटेशियम की परमेबिलिटी तो वैसे भी ज्यादा ही थी, ये चैनल ओपन नहीं भी होती तो वापस -90 पे आ ही जाता, पर टाइम ज्यादा लगता। अब इस चैनल के ओपन होने से और 30 टाइम्स परमेबिलिटी बढ़ गई। सो ऑलरेडी पोटेशियम परमेबिलिटी इज मोर, बट दीज चैनल्स ओपन एंड दे मेक पोटेशियम परमेबिलिटी इवन मोर। सोडियम का तो अब बंद हो गया है, इवन मोर देन सोडियम परमेबिलिटी। सो पोटेशियम इफ्लक्स विल हैपन एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल रश टुवर्ड्स पोटेशियम नस्ट पोटेंशियल, दैट इज -94, एंड दिस कॉजेस रिकवरी। जो भी पॉजिटिव साइड था, पॉजिटिव साइड से वापस -90 आएगा, लेकिन कई सीरीज में आएगा। पहले बहुत तेजी से नीचे आएगा, उसके बाद स्पीड स्लो हो जाएगी, उसके बाद कुछ देर के लिए तो -90 से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दे आर स्लो ओपनिंग चैनल एज वेल एज स्लो क्लोजिंग चैनल्स। तो -90 के आने पर भी ऑल चैनल्स हैव नॉट क्लोज्ड, तो इवन थोड़ी देर के लिए -95 या -100 भी हो जाएगा, तब जाके ये चैनल बंद होती हैं एंड देन पोटेंशियल कम्स बैक टू -90। लेकिन पोटेंशियल का -75 से +35 पहुंचना, रिवर्स हो जाना, पॉजिटिविटी इनसाइड हो जाना, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, एंड +35 से बैक टू -90। हालांकि उसकी तीन फेज होगी, हम देखेंगे। पहली फेज रैपिड होगी, दूसरी फेज स्लो होगी, और तीसरी फेज तो हाइपर पोलराइजिंग होगी, -90 से भी नीचे निकल जाएगा, बिकॉज दीज चैनल्स आर स्लो क्लोजिंग चैनल्स, एंड देन फाइनली -90 पे आ जाएगा व्हेन दीज चैनल्स आर क्लोज। अगर ये दोनों चैनल फिर से क्लोज हो जाती हैं तो रेस्टिंग स्टेट ही आ जाएगी, ओनली सोडियम लीक चैनल, पोटेशियम लीक चैनल एंड लिटिल बिट बाय सोडियम पोटेशियम पंप, एंड उसका एवरेज तो -90 ही आता है। तो रिकवरी फ्रॉम +35 टू -90 इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, एंड मेन कॉज ऑफ रीपोलराइजेशन, मेन बोला है मैंने, मेन कॉज ऑफ रीपोलराइजेशन इज पोटेशियम इफ्लक्स। ये सेकेंड हमारी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, पोटेशियम इफ्लक्स थ्रू वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। आपको ये डायग्राम बना देना है, इसमें इनएक्टिवेशन जरूर लिखना आप, ये आपके आंसर को ग्रेड बनाएगा। दिस इज इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। बहुत जगह इम्प्लीकेशन आता है, आप में से कई जो एनेस्थीसिया में काम करेंगे
तो जो एनेस्थेटिक ड्रग देंगे उसका फंक्शन भी, उसमें से कई ड्रग्स का फंक्शन भी इस पे बेस्ड है, दे इनएक्टिवेट वोल्टाज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो हाइपर पोलराइजिंग डायरेक्शन में भी सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं, -75 से ज्यादा निगेटिव हो तो भी बंद हो जाते हैं, बट बाय एक्टिवेशन गेट। और -75 से अगर जीरो की साइड आए, प्लस की साइड आए, तो भी सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे। केवल -75 जो फायरिंग लेवल है, ओनली सराउंडिंग दैट सोडियम चैनल्स गेट ओपन, बट डीप, इसको हम डीपोलराइजिंग डायरेक्शन बोल रहे थे, जीरो एंड प्लस को, जी पोलराइजिंग डायरेक्शन में दी चैनल विल क्लोज बाय इनएक्टिवेशन गेट और चैनल्स बिकम्स इनएक्टिवेटेड। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सोडियम चैनल्स या वोल्टाज गेटेड सोडियम चैनल्स जो डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्साइटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो -75 से ज्यादा निगेटिव हो, हाइपर पोलराइजिंग डायरेक्शन हो तो भी क्लोज, और परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग डायरेक्शन हो तो भी क्लोज। यानी एक्साइटेबिलिटी केवल इंक्रीज होती है बिटवीन -90 टू -75, दोनों ही डायरेक्शन में ये चैनल्स बंद हो जाते हैं, गेट्स अलग अलग हैं। सो ये हमारी हेडिंग है, लेकिन बेसिकली एज आई एम सेइंग, हेडिंग की आप इतनी चिंता मत करिए, आपका मेन पर्पस होना चाहिए दैट वी वांट टू पिक 20 की पॉइंट, लेकिन कंपोनेंट्स हमारे 10 हैं एंड उसमें से 4 कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट, तो उन कंपोनेंट को हम फेजेस भी बोल देते हैं। सो वी कैन से मेजर कंपोनेंट और फेजेस अलॉन्ग विथ आयोनिक बेसिस। उसमें से मेजर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑलरेडी वी हैव डन, बट वी आर हैविंग सम अदर कंपोनेंट एज वेल, टोटल 10 कंपोनेंट। एंड प्लीज डोंट मेक इट टू ब्रॉड, आप इसको ऐसा बहुत ब्रॉड मत बनाइए, समथिंग लाइक ऐसा पोटेंशियल शुड लुक लाइक स्पाइक। तो आपकी स्पाइक तभी दिखेगी जब आप पास पास बनाओ और ऊंचा। वी आर हैविंग टाइम हियर, देखिए इस कंपोनेंट पे मिली सेकेंड में टाइम है, इस कंपोनेंट में वोल्टेज है, तीन आपको वैल्यू याद रखनी है, -90, -75 या चार बोल लीजिए, 0 एंड +35। सो ये वैल्यूज हैं, ये हमारा अगर स्टिमुलस फायरिंग लेवल, फायरिंग लेवल का भी नंबर कोई दे सकता है तो 11 हो जाएंगी, फायरिंग लेवल मैंने इसी में लिख दिया है। आप तो वो अगर बड़ा डायग्राम बनाते हैं तो एवरी थिंग यू कैन राइट विद इन डायग्राम ऑल्सो, बट दिस डायग्राम शुड बी इन द होल पेज। हमारी पहली फेज हो गई, दिस इज अवर फर्स्ट फेज। तो पहली फेज में आपको डायग्राम बनाना है, देखिए डायग्राम बना हुआ है, सोडियम चैनल्स ओपन एंड पोटेशियम चैनल्स येट टू ओपन, और आपको लिख देना है सोडियम इनफ्लक्स थ्रू fast voltage gated sodium channels. We have discussed it. Also, you can explain in terms of sodium nus potential and sodium permeability more than potassium permeability. ये हमारा पहला 10 में से पहला point complete. Second point है हमारा repolarization. ये भी हमने detail में discuss किया है. So, repolarization is because of potassium efflux through opening of voltage gated potassium channels. But also write this. ये miss हो जाता है, हम भूल जाते हैं. एंड क्लोजर ऑफ वोल्टाज गेटेड सोडियम चैनल। देखिए एग्जाम डायग्राम में दोनों दिख रहा है, लिखना भी दोनों है, सोडियम चैनल्स, एंड यू कैन मेक दिस डायग्राम इन विच नाउ सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड बट बाय इनएक्टिवेशन गेट, जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टाज गेटेड सोडियम चैनल्स, एंड पोटेशियम चैनल्स आर नाउ ओपन, स्लो क्लोजिंग चैनल्स आर ओपन एंड दे आर कॉजिंग पोटेशियम इफ्लक्स। तो ये हमारे दो मेजर फेजेस हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। अब आप देख सकते हैं दो और फेज, बेसिकली तो वो रिपोलराइजेशन के ही पार्ट हैं। तो रिपोलराइजेशन का एक रैपिड पार्ट होता है, एक स्लो पार्ट होता है और एक हाइपर पोलराइजिंग पार्ट होता है, एंड थर्ड फेज इज दिस। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं तो फिर से लिख देते हैं, आफ्टर आफ्टर करके दो दो बार लिख देते हैं, तो फिर से डीपोलराइजेशन, लेकिन ये बाद में आ रहा है, तो आफ्टर डीपोलराइजेशन, और ये आफ्टर री की बजाय क्योंकि हाइपर पोलराइज हो गया है, आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। हमारी बाकी दो फेजेस हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन एंड आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, ऑल बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स। देखिए सब बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स ही हैं। यहां पे हम एक चीज और लिख देते हैं कि व्हाई स्पीड हैज बिकम स्लो, बिकॉज ग्रेडियंट्स आर रिड्यूस्ड, बोथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। कुछ समय के बाद पोटेशियम के दोनों ग्रेडियंट कम हो जाते हैं, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। तो आयोनिक बेसिस तो वही है, पोटेशियम इफ्लक्स, लेकिन स्पीड स्लो क्यों हो गई है, ये भी कई बार पूछा जाता है।
तो स्पीड स्लो क्यों हो गई है, उसका कॉज आपको देना है ग्रेडियंट्स आर रिड्यूस्ड। जैसे पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, दोनों ही ग्रेडियंट कंसेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल दोनों ही ग्रेडियंट कम होंगे, तो स्पीड ऑब्वियसली शुरुआत जैसी नहीं होगी। ये रैपिड फेज है रिपोलराइजेशन की और ये स्लो फेज है। स्लो फेज को ही हम बोलते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन, या इसका दूसरा नाम है जो कि मिसनॉमर है, निगेटिव आफ्टर पोटेंशियल। और हाइपर पोलराइजिंग फेज को हम बोलते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। माइनस 90 से भी ज्यादा निगेटिव क्यों हो जाता है? तो रीजन इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर स्लो क्लोजिंग चैनल्स। तो ना माइनस 90 अचीव, ये माइनस 90 अचीव हुआ, माइनस 90 अचीव करने पर भी नॉट ऑल पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड, सम आर स्टिल ओपन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर नेगेटिव। और इस पॉइंट पे ये जो एरो लगा है, इस पॉइंट पे आके ऑल वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड। तो माइनस 90 व्हेन माइनस 90 इज अचीव्ड, माइनस 90 इज अचीव्ड हियर एट द एंड ऑफ आफ्टर डिपोलराइजेशन, स्टिल सम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर ओपन एंड दैट्स व्हाई पोटेशियम ई फ्लक्स कंटिन्यूज एंड पोटेंशियल बिकम इवन मोर नेगेटिव। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। देन एट दिस पॉइंट ऑल पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड, सो फाइनल रिकवरी फ्रॉम हाइपर पोलराइजिंग पॉइंट बैक टू माइनस 90 इज बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। एनीवे दीज आर फोर फेजेस। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है ग्रेडियंट क्यों स्लो क्यों हो गया है स्पीड, तो आपको बोलना है ग्रेडियंट आर रिड्यूस्ड। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन में कि वाई द पोटेंशियल बिकम्स इवन मोर नेगेटिव, तो आपको बोलना है बिकॉज पोटेशियम चैनल्स आर स्लो क्लोजिंग चैनल्स एंड इवन आफ्टर अचीवमेंट ऑफ माइनस 90 नॉट ऑल चैनल्स आर क्लोज, सम चैनल्स आर स्टिल ओपन, सो पोटेशियम इफ्लक्स कंटिन्यूज एंड वेन एट दिस पॉइंट ऑल चैनल्स आर क्लोज्ड then the recovery happens especially by sodium potassium pump. So other component में कुछ तो बहुत आसान है, पहले ऊपर वाले कर लेते हैं चार फेज के बाद ये पांच, इसको बोलते हैं overshoot part of action potential above 0 millivolt. इसको बोलते हैं overshoot. We'll see that overshoot is present in typical action potential and cardiac muscle action potential. ऐसे नोट के action potential में नहीं होता है, so एक difference आ जाएगा. Then we are having spike 6, spike potential, spiked part of action potential, that is a rapid, ये जो spike बना हुआ है, this part and this part, spiked part of action potential, rapid depolarization and rapid repolarization part of action potential is called spike potential. Then अब हम baseline ले लेते हैं, baseline में we are having a सेवेंथ नंबर पे स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, ये एट इज लेटेंट पीरियड, आज हम नाम ही कर रहे हैं एट इज लेटेंट पीरियड। एंड देन यहां पे आप देखिए 9 एंड 10 स्टार्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन, आपको केवल ये याद रखना है स्टार्ट से लेके 1/3 तक एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टरी पीरियड और 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन से एंड तक एक्शन पोटेंशियल की बिगनिंग से लेके 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन तक एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टरी पीरियड, 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन से एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल तक रिलेटिव रिफ्रेक्टरी पीरियड।